डरो मत, कुछ नहीं होगा। एपिसोड 3 शुरू होती है और चाहिंसु गाड़ी में फैमिली के साथ कहीं जा रहा दिखता है। ये वही दिन था जब उसकी फैमिली में सबकी जान जाने वाली होती है। वो बता रहा होता है कि वो जानता है कि उसके फैमिली में सभी मम्मी पापा बहन सब उससे नफरत करते हैं, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं होती है। उसकी मम्मी चाहती है कि उसकी फैमिली में सब एक साथ रहें और हिंसु भी थोड़ा बात करे, इसलिए वो किसी तरह हिंसु को मना करके एक रोड ट्रिप पर ले चल रही है। पर यहाँ हिंसु के मन में सबके लिए द्वेष भावना भरी होती है और वो सोचता है कि सब उससे नफरत करते हैं, और यही बात होते हुए वो अपने परिवार को कहता है कि तुम सब मरोगे। और हम देखते हैं कि अगले ही पल ट्रक आकर उन्हें ठोक देती है। अब हिंसु की आंख खुलती है और बहुत दिन बीत चुकी थी, और हमें पता लगता है कि आखिर क्यों वो अपने परिवार के मरने पर भी दुखी नहीं होता है, क्योंकि उनके फैमिली के बीच कोई भी प्यार और बॉन्डिंग नहीं होती है। इसके बाद हम हिंसु के दिमाग में चल रहे उसके एविल डिजायर्स को देखते हैं, दैट वो चाहता था कि दुनिया में सभी लोग गायब हो जाएं। अब आखिर वो इतना ज्यादा अकेला क्यों रहना चाहता है? क्या ये किसी ट्रॉमा का असर है? इसका जवाब भी हमें सीरीज में आगे पता लगेगा। खैर, अब सीन प्रेजेंट में आती है और वो दो बच्चों को बचा रहा है। इनके पीछे एक बड़ा साइज का हल्क टाइप मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। हिंसु उस मॉन्स्टर के पैर को पकड़ लेता है और बच्चों को भागने को कहता है, और फिर हल्क मॉन्स्टर हिंसु को अच्छे से धो देता है। वो हिंसु को मार रहा होता है कि तभी जंग जय ह्यून की एंट्री होती है। ये स्वॉर्ड चलाने में माहिर है और अपने स्वॉर्ड से ये हल्क टाइप मॉन्स्टर को घायल कर देता है और हिंसु को वहां से बचाकर ले जाता है। जब हिंसु को होश आता है तो जीसू जो म्यूजिशियन थी वो हिंसु को मारने को बोलती है, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है दैट अगर किसी को नोज ब्लीडिंग होती है तो वो इन्फेक्टेड है और मॉन्स्टर बन जाएगा। हाउएवर जंग उसे रोकता है और बोलता है कि क्या पता ये ठीक भी हो जाए। तो चलो जानते हैं कि हल्क टाइप मॉन्स्टर से इतना पिटने के बावजूद भी हिंसु आखिर जिंदा कैसे बचा। आखिर क्या वो मॉन्स्टर बच्चों को मार देगा? और स्वीट होम की इस सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, तो थोड़ा इंतजार करो। स्वीट होम के पार्ट 2 को एक्सप्लोर करेगा ये मंदबुद्धि बालक। स्टोरी शुरू करने से पहले, स्वीट होम सीरीज के इस पार्ट में हम एपिसोड 3 और 4 को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसके हिडन डिटेल्स को भी डिटेल में देखेंगे। तो अब हिंसु उन दोनों के साथ बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होने से बड़े मॉन्स्टर से इतना पिटने के बावजूद भी ठीक होता है। दूसरी तरफ दोनों बच्चों को हिंसु ने 14th फ्लोर पर रह रहे वेपन में माहिर अंकल के पास जाने को बोला था, और वो वहां जा ही रहे होते हैं, पर उसी फ्लोर पर वो बिना सर वाला मॉन्स्टर मिलता है। हिंसु ने उसके बारे में भी बच्चों को पहले से ही बता दिया था कि उस मॉन्स्टर की आंख तो नहीं है पर कान बहुत तेज है। तो दोनों बच्चे एकदम उसी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं, पर पीछे से वो हल्क टाइप मॉन्स्टर आता है जिससे बिना सर वाला मॉन्स्टर हमला कर देता है, और हल्क मॉन्स्टर उसे ब्रूटली बिना सर वाले मॉन्स्टर को मारता है, और इन सब से बच्चे किस तरह से बचकर निकल जाते हैं। अब हमें दिखती है फायर फाइटर जो इलेक्ट्रिक चेक करने बेसमेंट में गई होती है, पर उस पर कोई हमला करके अंधेरे में खींच लेता है। अब बच्चे आगे आगे और हल्क मॉन्स्टर पीछे पीछे, पर बीच में वो स्ट्रॉलर लेकर चलने वाली लेडी आ जाती है और फिर उसे हल्क मॉन्स्टर पीट देता है। और यहाँ हम जानते हैं कि उस लेडी को भी पता था कि दैट उसका बेबी मर गया है, पर उसे यूं ही बेबी को इमेजिन करना अच्छा लगता था, इसलिए वो ऐसा करती थी। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं और प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो सिटीजन को काम करने के लिए आए हैं। वो बता रहे हैं कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, पर लाइव टीवी के दौरान ही उनके नोज से भी ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब वो भी अब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जिससे हम समझ जाते हैं कि यहाँ कोई भी सेफ नहीं है, और चाहे कोई पावरफुल पर्सन ही क्यों ना हो, कोई भी इससे नहीं बच सकता। वापस से सीन अब हल्क मॉन्स्टर को दिखाती है जिस पर अब स्टॉलर वाली लेडी हमला कर रही है, क्योंकि वो भी अब इन्फेक्ट हो गई थी। इधर हिंसु बच्चों को बचाकर निकल जाता है, जंग मॉन्स्टर को फिर अपने पीछे दौड़ाता है और खिड़की के जरिए बिल्डिंग से बाहर गिरा देता है। वहीं जीसू इन्फेक्ट हो चुकी स्टॉलर लेडी को भी वेपन में माहिर अंकल के पास ले जाती है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई होती है। अब इसके बाद जंग और जीसू के रूम पर खाने का सामान लेने जाते हैं, पर रूम बिखरा देखकर जंग को लगता है कि यहां कोई आया था, पर जीसू बोलती है कि वो ऐसी ही रहती है और कोई भी वाहन नहीं आया था। अब ये दोनों और बाकी सब उसी वेपन वाले अंकल हांडू सिख के पास पहुंचते हैं। यहाँ सभी लोग एक साथ खाते पीते हैं और बच्चे भी इंट्रोड्यूस होते हैं, इसमें बड़ी बहन का नाम सु योंग होता है और छोटे भाई का नाम योंग सु होता है। अब हमें दिखती है फायर फाइटर गर्ल जिसे किसी ने उल्टा लटकाया हुआ है और वो स्पाइडर वेब में लिपटी हुई है। बहुत देर तक उसके ऊपर नहीं आने से ली यून हुक और मिलिट्री मैन टेंशन में होते हैं। अब हांडू सिख के घर पर सब बारी बारी से रखवाली करते हैं और हिंसु बोलता है कि अगर वो कन्वर्ट होने लगे तो उसे मार दिया जाए। अब सुबह होती है और शॉपकीपर हमें शॉप के अंदर दिखता है जो अब सबको खाने की चीज तभी देगा जब उसे लोग पैसे देंगे, जिससे हम सभी उसकी सेल्फिश और ग्रीडी पर्सनालिटी को देखते हैं।
यही सब चल रहा होता है कि एपिसोड 1 में जो टेप से लिपटा लड़का रहता है उसकी एंट्री होती है। और बता दूं कि उसे एपिसोड 2 में जंग और जीसू ने टेप से बाहर निकाल कर बचाया था और वहां से वो अपने रूम पर चला गया था। और अब वही टॉर्चर हुआ लड़का आता है और अपने बैग में काफी सारी खाने की चीजें लाता है और सबसे शेयर भी करता है। अब ऐसे एपोकलिप्टिक सिनेरियो में भी ये खाना शेयर कर रहा है थोड़ा सस्पिशियस जरूर लगता है। और एक कुत्ते को पाली हुई आंटी को भी उसे देखकर थोड़ा शक होता है और उसका कुत्ता भी उसे देखकर भौंकने लगता है, जिससे हमें कुछ गड़बड़ लगता है। अब गड़बड़ क्या है और इसे टॉर्चर क्यों किया जा रहा था, ये सब हम आगे जानेंगे। इसके बाद दो लड़के बाहर के सिनेरियो को ऑब्जर्व कर रहे होते और सुबह होते ही अपार्टमेंट में रोजाना एक अलार्म बजता था तो वही बजने लगता है। और मौका देखकर एक लेडी गेट खोल देती है क्योंकि उसकी बेटी बाहर फंसी हुई होती है। उस लेडी को तो शुरू में दो लड़के बाहर जाने से रोकते हैं, पर जैसे ही वो देखते हैं कि गेट खोलने पर उसकी बेटी भी दौड़कर आ रही है तो मिलिट्री मैन भी बाहर चला जाता है और बड़े जीव वाला मॉन्स्टर दोनों को एक साथ ही मार देता है। और सब देखकर ये शॉक हो जाते हैं। और अब क्या वो मॉन्स्टर गेट खुलने का फायदा उठाकर बाकियों को भी मार देगा, इसका जवाब हम जान पाते हैं इससे पहले ही एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होगा उसे जानने से पहले जितने भी की ड्रामा लवर्स हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो एपिसोड 4 शुरू होती है और बिल्कुल वहीं से कहानी शुरू होती है कि मॉन्स्टर ने अपनी जीभ से दोनों को मार दिया है। अब तुरंत ही ली योन हुक उसके आगे के सामान को लगाता है और दूसरी तरफ सब रो रहे होते हैं एंड गेट बंद करने लगते हैं, पर मॉन्स्टर अपनी जीभ अंदर लाता है और योन हुक बाल बाल बचता है। पर यहाँ इस बंदे की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही क्रिटिकल और डेंजरस सिनेरियो में भी बहुत काम रहता है। मतलब कि ली योन हुक जितना पीस माइंडेड है उतना पूरे ग्रीन होम अपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। और बाकी सब जहां रो रहे होते हैं वहीं वो एकदम शांत होता है। सीन स्विच होकर के विपिन स्मिथ के घर पर जाती है जहां जंग जीसू और ह्युनसू नीचे आ रहे हैं, पर बाकी चारों वहीं विपिन स्मिथ के घर में ही है। इसके बाद अब दो और न्यू कैरेक्टर्स से हम इंट्रोड्यूस होते हैं जो पापा और बेटी जैसे लगते हैं, पर ये फादर मिलिट्री से रिटायर्ड लगते हैं। वहीं नीचे का हाल कुछ और ही है क्योंकि सब अब सतर्क हो गए और गेट के आगे सामान अरेंज करके सेफ्टी कड़ी कर रहे हैं। वहीं बेसमेंट में एक स्पाइडर मॉन्स्टर फाइटर गर्ल के पीछे पड़ा हुआ है जिसे किसी तरह जान बचाकर वो ऊपर आ जाती है और ऊपर आते ही वो ली योन हुक को मारती है क्योंकि उसने ही फाइटर गर्ल को नीचे जाने को बोला था डिस्पाइट ही न्यू दैट बेसमेंट में भी मॉन्स्टर है। अब हमें एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दिखती है कि अब मार्शल लॉ पूरे सिटी में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और ज़ॉम्बी वॉरियर्स हमें सबसे जरूरी जानकारी मिलती है कि ये मॉन्स्टर्स के बनने का कोई एक्चुअल रीजन है ही नहीं और ना ही ये इन्फेक्शियस है। मतलब कि ये ज़ॉम्बीज की तरह फैलते नहीं है और जिस किसी में कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है वो ट्रांसफॉर्म होकर मॉन्स्टर बन सकते हैं। साथ ही इन मॉन्स्टर्स को मारा नहीं जा सकता क्योंकि ये खुद को हील कर सकते हैं और खुद के बॉडी पार्ट्स को भी रीजनरेट तक कर सकते हैं। पर अब ये कैसे मरेंगे ये सोचने वाली बात है क्योंकि इन्हें ज़ॉम्बीज की तरह मारना आसान नहीं है। इसलिए आप सोचो और कमेंट करके बताओ कि आप इन मॉन्स्टर्स को आखिर कैसे मारोगे। विपिन स्मिथ के घर में नीचे आने वक्त जंग जीसू और ह्युनसू को काफी सारी डेड बॉडी मिलती है जिन्हें मॉन्स्टर ने मारा होता और उसी दौरान एक मॉन्स्टर के धक्का देने से ह्युनसू 9th फ्लोर से नीचे गिर जाता और यहाँ हमें लगता है कि हीरो तो गयो क्योंकि गिरते ही उसका सर फट जाता है और बैले डांसर उसे देख कर रोने लगती है। पर नहीं, उसकी आंख खुलती है और वो जिंदा होता है और उसे बैले डांसर बोलती है कि मैंने बोला था सुसाइड मत करना पर फिर भी कूद गए। और इसके बाद ह्युनसू अपने घाव चेक करने लगता है जो कि अभी तक थोड़ा ठीक हो चुका था। आपको याद हो तो ह्युनसू इन्फेक्टेड था, इस वजह से वो खुद हील हो रहा है और रिकवर कर रहा है क्योंकि वो अभी गोल्डन आवर में है और वो अभी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म तो नहीं हुआ है पर उसमें काफी सारी पावर्स आ गई हैं। पर यार हमारी पावर बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ, 50,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत क्लोज हैं तो कर देना। तो अब देखो ह्युनसू अब वहां से बाहर आता और शॉप ऑनर उसे मारने की और बाहर निकालने की बात करता है। ये घूसट इतना सेल्फिश है कि मेरे पास शब्द नहीं और अभी देखते जाओ इसका ग्रीड कैसे सबके सामने आता है। शॉपकीपर के ह्युनसू को मॉन्स्टर कहने वाले इंसिडेंट के बाद ली योन हुक एक वोटिंग करने का डिसाइड करता है कि कितने लोग ह्युनसू को रखना चाहते हैं और इस वोटिंग में ह्युनसू के फेवर में ही रिजल्ट आता है और वो वहां रुक जाता है। लेकिन इस बीच शॉपकीपर बार बार तंग करता है और उसे निकलने को बोलता है। वो नहीं चाहता कि ह्युनसू वहां रहे, नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा और खाने पीने के सामान में भी कमी आएगी। शॉप ऑनर बहुत रूडली सबसे बात भी करता है, सबको मारने को कहता है और हम देखते हैं कि वो अपनी वाइफ को भी फिजिकली अब्यूज कर रहा है और कॉन्स्टेंटली डांटता है और मारता है। तभी शॉप ऑनर को भी नोज ब्लीडिंग होने लगती है और ह्युनसू उसे कहता है कि अगर मुझे यहां से बाहर निकाला तब तो अब तुम्हें भी चलना पड़ेगा क्योंकि वो भी अब ट्रांसफॉर्म होने लगा है। अब देखो आप सोच रहे होगे कि ये कैसे मॉन्स्टर बना, तो ये अपने लालच की वजह से ही मॉन्स्टर बना क्योंकि उसे ज्यादा आराम से रहने की डिजायर होती है। और वहीं ह्युनसू में कुछ पावर्स आने की वजह से वो उतनी ऊंचाई से भी गिरने से नहीं मरा और जब उस पर
हल्क टाइप मॉन्स्टर ने भी हमला किया तो उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। तो बाकियों को ध्यान में रखते हुए दोनों को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। वहीं इंस्टॉलर वाली लेडी जो ऊपर वेपन स्मिथ के साथ थी, उसके अंदर का मॉन्स्टर भी अब एक्टिवेट होने लग गया है, मतलब कि कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। इसके बाद हम जानते हैं कि फायर फाइटर प्रेग्नेंट है और जीसू यानी जो म्यूजिशियन है वो अपनी पुरानी लाइफ और बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती है। वहीं बैले डांसर आकर उससे काफी एटीट्यूड में बात करने लगती है। अगर आपको याद ना हो तो बैले डांसर और शांत दिमाग वाला ली योन होक भाई बहन है, और जहां एक तरफ वो एकदम पीसफुल माइंडेड है, वहीं ये लड़की यानी कि उसकी बहन बहुत ही ज्यादा रूड है। फिर हमें वो किलर और टेप में लिपटा हुआ बंदा मिलता है जो अब आमने सामने आ चुके हैं, और यहाँ भी वो किलर उसे बहुत मारता है। तो ये बंदा भागते हुए क्वारंटीन रूम के पास आ जाता है और सबको बोलता है कि उसके भी नाक से खून बह रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ताकि वो किलर से बच जाए। तब तक किलर भी वहां रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन ग्रुप किसी तरह उसे बचाकर रूम के अंदर डाल देते हैं और उसकी जान बच जाती है। अब बैले डांसर हमें थोड़ी ज्यादा किलर पर इंटरेस्ट दिखाते हुए किलर से बात करने की कोशिश करती हुई दिखती है। अपना किलर एकदम सख्त लौंडा होता है और बिल्कुल भी उसे भाव नहीं देता, और शांति से वहां से निकल जाता है। और यार इधर एक मैं हूं। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। खैर अब ली उन हुक जंग से बात करता है और शील्ड किसने बनाई ये पूछता है, और फिर जंग उसे वेपन स्मिथ अंकल के बारे में बताता है। दरअसल शील्ड काफी अच्छी लगती है और काफी स्ट्रांग होती है, इसलिए यून हुक इसके बारे में जानना चाहता है। इसके बाद सीन वेपन स्मिथ अंकल के घर पर शिफ्ट होती है, जहां बहन बोलती है कि एक घंटे से स्टॉल वाली लेडी बाथरूम से बाहर नहीं आई है। और वेपन स्मिथ अंकल ऐसे में जब बाथरूम का दरवाजा खोलकर चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो लेडी अब मॉन्स्टर बन चुकी है। अब आगे क्या वो मॉन्स्टर बनी हुई लेडी दोनों बच्चों को मार देगी, और ये नया मॉन्स्टर आखिर कितनी परेशानी खड़ी करता है ये तो आगे देखने पर ही पता चलेगा। वैसे आपने यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में मॉन्स्टर स्वीट होम लिख देना, जिससे मैं जान सकूं कि कितने लोग वीडियो को पूरी देखते हो। और अगर आपको जानना है कि आपकी ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम में किन इम्पोर्टेंट 5 तरह के लोगों को आपको रखना चाहिए तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।